hello everyone welcome back in previous lecture we discussed about the uh, hydrostatic extrusion process and extrusion process parameters let us recall the process parameters the extrusion process parameters so the first parameter was

सी सी डी सरकमस्क्राइबिंग सर्कल डायाग्राम सी सी डी फिफ्थ इज वॉज डाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देर वॉज सिक्स नंबर लुब्रिकंट लुब्रिकेशन हमने कौन सा यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा सेवंथ जो पैरामीटर था देट वॉज रैम स्पीड रैम स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा एक्सट्रूजन और जो एट पैरामीटर था दैट वाज टाइप ऑफ एक्सट्रूजन द एक्सट्रूजन टाइप जो है ये जो एट है दैट वर द पैरामीटर्स फॉर द एक्सट्रूजन प्रोसेस विच डिस्कस्ड इन अर्लियर लेक्चर इन टूडेज लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू द डिफेक्ट्स इन एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट एंड Basically, there are five types of defects. First, uh, in extruded product, the first defect is extrusion defect, second defect is extrusion piping, extrusion piping, third defect is Surface cracking, fourth is bamboo defect, and fifth is center breast. These are the five defects in extruded product. जो भी एक्सट्रूजन प्रोसेस से हम एक्सट्रूड करेंगे उसके अंदर ये फाइव टाइप्स की मेजर डिफेक्ट्स देखने को मिलती है वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन दिस ऑल डिफेक्ट्स सो द फर्स्ट डिफेक्ट इज एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन डिफेक्ट दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल कॉज्ड बाय inefficient lubrication at the billet container interface or chilling of metal at the container wall यहाँ पे जो extrusion process है suppose ये हमारा extrusion cylinder है ठीक है और यहाँ पे ये दो die है और यहाँ पे billet है और यहाँ पे separating plate है और यहाँ पे ram है तो यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो पार्ट जो है वो यहाँ से एक्सट्रूड होगा ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा ये जो एरर है वो कहाँ पे आएगी नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन जो डिफॉर्मेशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा कॉज्ड बाय द इन एफिशेंट लुब्रिकेशन जो भी सरफेस है यहाँ पे लुब्रिकेशन कम हो गया ठीक है उसकी वजह से एट द बिलेट कंटेनर इंटरफेस और चिलिंग ऑफ मेटल एट कंटेनर वॉल जो ये मेटल है वो हॉट कंडीशन में होगा ठीक है और यहाँ पे जो सरफेस है यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा सरफेस के साथ कांटेक्ट की वजह से तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये चील हो गया तो यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और जो बिलेट है वो प्रॉपरली एक्सट्रूड यहाँ पे नहीं होगा सेम वे यहाँ पे डाई के पोर्शन पे भी यही केस होगा अगर वो पहले चिल हो गया मतलब ठंडा हो गया तो यहाँ पर क्या होगा सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा और जो प्रॉपर एक्सट्रूजन है वो नहीं हो पाएगा ड्यू टू नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन जैसा होमोजीनियस हमको परफेक्ट डिफॉर्मेशन चाहिए वैसा हमको नहीं मिलेगा सो इन डायरेक्ट एक्सट्रूजन प्रोसेस एज द बिलेट मूव्स रिलेटिव टू कंटेनर वॉल द मेटल फ्लोर्स ऑफन बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म डाई टू हाई फ्रिक्शन बिटवीन बिलेट एंड द कंटेनर वॉल तो जो भी डाई है या फिर जो बिलेट और कंटेनर वॉल है वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड द चिलिंग कॉस्ड बाय द कंटेनर वॉल्स जो वॉल्स है उसकी वजह से वो चिल्ड हो जाएगा अंडर प्रेशर द हॉट कोर इज़ मोर इजीली एक्सट्रूडेड देन द चिल्ड स्किन दैट रिमेंस विद द कंटेनर सो जो प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो प्रेशर कंडीशन में क्या होगा कि जो हॉट कोर होगा वो इजीली एक्सट्रूड होगा एज कम्पेयर टू जो चील्ड पोर्शन है वो वहाँ पे कंटेनर की स्किन के ऊपर वहाँ पर स्टिक हो जाएगा ठीक है और जो हॉट पोर्शन है वो इजीली एक्सट्रूड हो जाएगा वो पहले एक्सट्रूड हो जाएगा और जो कोल्ड पोर्शन है वो वैसे का वैसा वहाँ पे रह जाएगा एज द एक्सट्रूजन कंटिन्यूज द चिलिंग आउटसाइड स्किन बिगिनस टू बकल एंड इज फाइनली फोर्स्ड आउट ऑफ द डाई ओपनिंग और उसके बाद जब हम एक्सक्जन कंटिन्यू करेंगे तो जो भी चिल्ड आउटसाइड स्किन है वो बिगिनस टू बकल यहाँ पे सपोज ये डाई का सेक्शन है ठीक है और यहाँ पे ये यह हमारा बिलेट है तो बिलेट से जब ये एक्सक्रूडेड पार्ट यहाँ पे बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि ये जो सरफेस है ये सपोज यहाँ पे चिल हो गए ठीक है और उसके बाद भी हम अभी एक्सट्रूजन फोर्स तो अप्लाई करते ही रहेंगे ठीक है तो क्या होगा कि ये जो फोर्स की वजह से क्या होगा यहाँ पे एक टाइप का वेल्डिंग फॉर्म हो गया है चीलिंग की वजह से तो ये वाला पोर्शन डिफॉर्म हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी बकल हो जाएगा या यहाँ पे बकलिंग होगा एंड फाइनली वहाँ से डाई ओपनिंग से वो फोर्सफुली आउट होगा ठीक है दिस बकल्ड मेटल इज एक्सट्रूडेड सेक्शन फॉर्म्स द एक्सट्रूजन डिफेक्ट और उसी की वजह से जो बकल्ड मेटल है वो एक्सट्रूडेड सेक्शन के अंदर एक्सट्रूजन डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एबसेंस ऑफ रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन बिलेट एंड कंटेनर वेरी लिटल एक्सट्रूजन डिफेक्ट इज कॉज इन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन सेम केस अभी हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में देखें इनडायरेक्ट so, एक्सट्रूजन में क्या होगा कि ये जो कंटेनर वॉल है ये यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये क्लोज है एक एंड पे और यहाँ पे हमारा बिलेट है दिस इज अवर बिलेट एंड द रैम इज ओवर हियर देर इज अ होलो रैम वी विल बी यूजिंग होलो रैम लेट मी ड्रॉ दिस अगेन हियर इट इज द होलो रैम and the part will be extruded in between this holoram. in this between holoram it will be extruded in this way so yahan pe kya hoga jo force hoga wo is direction mein lagega aur jo extruded part hoga wo opposite direction mein extrude hoga और यहाँ पे जो relative movement है यहाँ पे जो billet और container surface के बीच में कोई movement जो है नहीं तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन है वो तो लगेगा ही नहीं और जो यहाँ पे चिलिंग इफ़ेक्ट है वो होगा या नहीं होगा उसकी कुछ इफ़ेक्ट यहाँ पे होगी नहीं और यहाँ पे ये जो एक्सक्रूजन डिफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगी ठीक है तो इनडायरेक्ट एक्सक्रूजन में ये डिफेक्ट हमको नहीं देखने को मिलेगी द एक्सक्रूजन डिफेक्ट और जो डायरेक्ट एक्सक्रूजन है उसके अंदर हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं तो सबसे पहला है प्री हीटिंग द डाई एंड कंटेनर टू अवॉइड क्रैकिंग सो जो भी कंटेनर वॉल है वो इनिशियली जब ठंडा होगा डाई और कंटेनर तो उस कंडीशन में हम उस वहाँ पर बिलेट एंटर नहीं करेंगे सबसे पहले हम डाई है उसको हीट करेंगे और जो कंटेनर है उसको भी हीट करेंगे ताकि जो क्रैकिंग है वो हम अवॉइड कर सकें दिस वी हैव टू कीप इन माइंड सबसे पहले हमको प्री हीट करना पड़ेगा डाई और कंटेनर अगर आपने इंडस्ट्री में कहीं पे देखा होगा एक्सट्रूजन प्रोसेस तो यही प्रोसेस फॉलो किया जाता है सबसे पहले जो डाई है उसको हीट किया जाता है और जो कंटेनर है उसके अंदर मेटल जो है फील करने से पहले वो पहले हीटिंग उसका किया जाता है सेकेंड थिंग इज एक्सट्रूडिंग द बिलेट जस्ट अप टू द टाइम वेन द बकल्ड पोर्सन स्टार्ट्स एंटरिंग द डाई जो भी बकल्ड पोर्सन है ठीक है वो जैसे ही एंड रिजेक्टिंग द रिमेनिंग बिलेट और जो रिमेनिंग बिलेट है उसको रिजेक्ट कर देने का यानी कि जो भी एक्सट्रूडिंग बिलेट है वो वहाँ तक ही हमको पुश करना है जब तक कि वो बकल्ड पोर्शन स्टार्ट एंटरिंग द डाई एंड रिजेक्टिंग द रिमेनिंग बिलेट हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक्सक्लूजन uh, किया ठीक है सो हाफ ऑफ द एक्सट्रूजन किया उसके बाद जैसे ही हमको पता चलेगा कि ये बकल्ड पोर्शन स्टार्ट होने वाला है ठीक है जस्ट अप टू दैट टाइम वेन द बकल फोर्शन स्टार्ट्स एंटरिंग दिस डाई उससे पहले हमको क्या करना है उसको ये बिलेट है इसको हम रिमूव कर देंगे ठीक है और बाद में फिर री हीटिंग करके उसको फिर से इंजेक्ट करेंगे सो इन दिस वे वी कैन एलिमिनेट द एक्सट्रूजन डिफेक्ट थर्ड थिंग वी कैन डू इज यूजिंग अ रैम ऑफ स्मॉलर डायामीटर दैट कैन ओनली

तो यहाँ पे ये जो रैम के थ्रू हम जब पुश करेंगे इसको तो जो भी एक्सट्रूजन डिफेक्ट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं अगर ये रैम की साइज़ हम कम कर दें ठीक है अगर रैम की साइज़ हम कम कर दें यहाँ पे स्मॉलर साइज़ की रैम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये सिर्फ इतना ही पोर्शन पुश करेगा और ये जो चिल्ड पोर्शन है वो यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा और सिर्फ और सिर्फ जो हॉट पोर्शन है वही यहाँ पे पुश होगा ठीक है so, सो दीज आर दी three remedies we can use to avoid the extrusion defects the second defect is extrusion piping as the extrusion process approaches its end and only a small portion of billet is left unextruded the last portion that is thin chilled and oxidized enters the die एंड फॉर्म्स अ फनल शेप और एक्सियल ओपनिंग इन द एक्सक्ट सेक्शन जैसे कि एक्सक्रूजन प्रोसेस अप्रोच एंड पोर्शन पर जब अप्रोच करेगी ओनली अ स्मॉल पोर्सन ऑफ बिलेट इज लेफ्ट अनएक्सक्ट जो स्मॉल पोर्शन होगा वो ही अनएक्सक्ड रहेगा एंड देट लास्ट पोर्शन दैट इज थीन चिल्ड एंड ऑक्सीडाइज एंटर्स द डाई एंड फॉर्म्स अ फनल शेप और एक्सीयल ओपनिंग इन द एक्सक्रूडेड सेक्शन सो सपोज यहाँ पे ये हमारी डाई है इस शेप में और जो बिलेट है वो यहाँ पे सपोज एंड पोर्शन पे ही आ गया ठीक है और यहाँ पे जब एक्सट्रूजन होगा तो ये एंड पोर्शन पे ऐसा पाइपिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा ठीक है वो उसके साथ यहाँ पे चिल्ड किया हो जाएगा और एक्सट्रूडेड है तो यहाँ पे ये जब यहाँ से फॉर्म होगा तो ये ऐसा पाइपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ठीक है और एक फनल शेप बनाएगा ठीक है जो एंड पोर्शन होगा उसकी वजह से सो एक्सट्रूजन पाइपिंग डिफेक्ट हमको लास्ट वाले पोर्शन में देखने को मिलेगी होल इन फॉर्म ऑफ पाइप गेट्स फॉर्म्ड इन द सेक्शन टू सम लेंथ एंड दिस इज कॉल्ड एज पाइपिंग डिफेक्ट एक होल क्रिएट होगा इन फॉर्म ऑफ पाइप and this will call uh, as a piping defect. this defect cannot be avoided. ये defect जो है हम हम remove नहीं कर सकते. उसको सिर्फ remedy available है. only remedy is to discard the defective length of the workpiece. जो भी defective length है उसको हमको remove ही करना पड़ेगा. वो ही इसकी remedy है. third defect is surface cracking. सर्फेस क्रैक्स ऑफ डिफरेंट काइंडस आर फॉर्म्ड ऑन द एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन सर्फेस कंडीशन एंड नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन जो क्रैक्स है जो भी पार्ट है उसके ऊपर डिफरेंट काइंड की क्रैक जो है वो फॉर्म कब होगी वो डि डिपेंड्स करता है सरफेस की कंडीशन कैसी है और जो नेचर ऑफ़ डिफॉर्मेशन है वो कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइप की क्रैक्स उसके ऊपर फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस क्रैक्स इंक्रीजेस विद द अमाउंट ऑफ सरफेस चिलिंग एंड ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस जैसे कि जो सरफेस की कंडीशन है वो अगर हॉट कंडीशन में जब एक्सट्रूजन होगा तो वो स्मूथली होगा लेकिन जब चिल्ड कंडीशन में होगा तो वहाँ पे जो क्रैक्स है या फिर ऑक्सीडाइजेशन है वो वहाँ पे प्लेस करेगा और ऑक्सीडाइजेशन की वजह से जो सरफेस है वहां पे क्रैक्स फॉर्म हो सकती है ठीक है और जो नेचर ऑफ डिफॉर्मेशन है अगर डक्टाइल मटेरियल होगा तो वहाँ पे जो एक्सट्रूजन है वो डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है सो उसकी डक्टाइल सॉरी ब्रिटल मटेरियल होगा तो उसका डिफिकल्ट हो जाएगा डक्टाइल मटेरियल विल बी इजीली डिफॉर्म हाई रैम स्पीड में ऑल्सो कॉज सरफेस क्रैक्स सिमिलरली अगर रैम स्पीड ज़्यादा है तब भी जो सरफेस क्रैक्स है वो बढ़ सकती है सो रैम स्पीड हमको ऑप्टिम रखनी होगी अनदर फोर्थ नंबर एरर इज डिफेक्ट इज बाम्बू डिफेक्ट नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ सरफेस क्रैक कॉज्ड बाय लो वर्किंग टेम्परेचर जैसे ही हाई वर्किंग टेम्परेचर का हमने डिस्कस किया कि वो चिल्ड हो जाएगा तब इस टाइप की डिफेक्ट आएगी लेकिन ये जो सरफेस क्रैक का ही एक टाइप है बाम्बू डिफेक्ट इन बाम्बू डिफेक्ट ड्यू टू लो वर्किंग टेम्परेचर प्रोडक्ट गेट्स स्टक मोमेंटरीली एट द डाई लैंड एंड एज द एक्सट्रूजन प्रेशर इंक्रीजेस इट मूव्स फॉरवर्ड जो लो वर्किंग टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होगा कि जो डाई की सरफेस है वहाँ पे जो पार्ट है वो वहाँ पर स्टक हो जाएगा मतलब यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाएगा और जो एक्सट्रूजन प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा टू मूव इट फॉरवर्ड अगेन आफ्टर सम टाइम द साइकिल ऑफ स्टिकिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड अंडर हाई प्रेशर इज रिपीटेड और ये जो साइकिल है वो रिपीट होगी स्टिकिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड अंडर हाई प्रेशर पीरियडिकली रिपीट ऑफ साइकिल क्रैक्स द सर्फेस इन द प्रोडक्ट नॉन एज बैम्बू डिफेक्ट बिकॉज द क्रैक्स लुक लाइक बैम्बू स्टैम्प्स जो बैम्बू की जो सरफेस है उसके ऊपर जो क्रैक्स ऐसे फॉर्म में होती है ठीक है सो इन इन दिस फॉर्म देर विल बी सरफेस डिफेक्ट पीरियोडिकली कॉज्ड ओवर द प्रोडक्ट ड्यू टू द लो टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस द सर्फेस क्रैक्स कैन बी अवॉयडेड बाई यूजिंग नॉर्मल रैम स्पीड एंड वर्किंग टेम्परेचर इन द प्रोसेस सो so, जो भी ये सरफेस क्रैक्स है वो हम अवॉइड कर सकते हैं बाय नॉर्मल रैम स्पीड एंड वर्किंग टेम्परेचर इन द प्रोसेस जो वर्किंग टेम्परेचर है वो अवेल करना होगा और नॉर्मल रैम स्पीड से हम ये क्रैक्स अवॉइड कर सकते हैं प्रोवाइडिंग गुड लुब्रिकेशन रिड्यूसिंग द सर्फेस ऑक्सीडेशन एंड थर्मल इंसुलेशन ऑफ द कंटेनर कैन ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रैक्स अनदर वे क्या है कि जो भी लुब्रिकेशन है वो अच्छा प्रोवाइड करना है फिर जो सरफेस का ऑक्सीडेशन है वो कम से कम हो वैसा ट्राई करना है और थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना है टू द कंटेनर ताकि जो वो इंटरनल हीट है बिलेट की उसको वो हम रिटेन कर सके, कर सके और उसकी वजह से जो क्रैक्स है वो नई फॉर्म होगी एंड द लास्ट डिफेक्ट इज सेंटर बर्स्ट हियर वी कैन सी इन द फिगर द सेंटर बस्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एरो हेड फ्रैक्चर दिस शेप यूर हियर इन एन लार्ज सेक्शन यू कैन सी देर विल बी अ एरो टाइप सेक्शन इज फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल सेक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज हेड फ्रैक्चर और चेवरॉन क्रैकिंग इज एन इंटरनल क्रैकिंग जो इंटरनल सर्फेस है वहाँ पर ये क्रैक फॉर्म होगी अकरिंग अलोंग द एक्सुडेड पार्ट जो भी एक्सक्ट पार्ट है उसका इंटरनल सेक्शन है वहाँ पर ये टाइप की एरर देखने को हमको मिलेगी एंड दिस क्रैक्स अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक टेंजाइल फोर्स एट द सेंटर लाइन इन द डिफॉर्मेशन जोन और ये जो क्रैक्स है वो क्यों आएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टेटिक स्टेट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक टेंजाइल फोर्स जो हाइड्रोस्टेटिक टेंजाइल फोर्स एट द लाइन ऑफ इन द डिफॉर्मेशन जोन जो लाइन ऑफ डिफॉर्मेशन है ये है ठीक है वहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक टेंजाइल फोर्स है उसकी वजह से ये टाइप की डिफेक्ट हमको देखने को मिलेगी एंड द डिफेक्ट नॉर्मली अकर्स एट लो एक्सट्रूजन रेशियोज एंड लार्ज डाई एंगल ये एंड इज कॉज बाय द हाई फ्रिक्शन कंडीशन एट द डाई सरफेस एंड इम प्रॉपर स्मूथ मेटल फ्लो सो ये टाइप की जो डिफेक्ट है वो तीन पैरामीटर है सबसे पहला एक्सट्रूजन रेशियो कम हो उस कंडीशन के लिए फिर जो डाई का एंगल है वो लार्ज है उस कंडीशन के लिए एंड जो भी फ्रिक्शन कंडीशन है वो हाई है एट द डाई सरफेस एंड इम्प्रॉपर स्मूथ मेटल फ्लो जो मेटल फ्लो है डाई सरफेस के ऊपर वो इम्प्रॉपर है तभी ये ट्रायंगुलर शेप में हमको इंटरनल क्रैकिंग या फिर एयरड फ्रैक्चर हमको देखने को मिलेगा एंड यूज ऑफ करेक्ट डाई एंगल डाई एंगल हम करेक्ट यूज कर सकते हैं उसको अवॉइड करने के लिए विथ अ शूटेबल लुब्रिकेशन सिस्टम फेवरेबल स्मूथ मेटल फ्लो एंड होमोजीनियस डिफॉर्मेशन कैन अवॉइड दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सो इन दिस वे वी कैन अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट वी हैव टू चेंज द डाई एंगल एज वी चेंज द डाई एंगल द Friction the material will be flowing easily from this and suitable lubrication. Joe discuss discussed earlier, various types of lubricant for ferrous and non-ferrous. There was for ferrous for there was glass coated and non-ferrous, there was molybdenum and other alloys, linone and other types of material were used. So here, due to use of glass coating for ferrous metal. वी कैन यूज स्मूथ फ्लो ऑफ मेटरल एंड होमोजीनियस डिफॉर्मेशन जो होगा मटेरियल का नॉन होमोजीनियस डिफॉर्मेशन होगा तो भी ये टाइप की एरर्स आ सकती है और अगर होमोजीनियस डिफॉर्मेशन होगा तो ये एवर्ड यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं सो दिज आर दी वेरियस डिफेक्ट्स इन एक्सक्रूडेड प्रोडक्ट द वेरियस डिफेक्ट्स वर द एक्सक्रूजन डिफेक्ट then there was a bamboo defect then extrusion piping then surface cracks and last is center burst so these are the five defects in extruded products so this is it for today's lecture thank you very much for listening to me carefully have a nice day